और बड़ी अपडेट, हिंडन एयरबेस से लौटा है बांग्लादेशी विमान, सेना के सात अधिकारी को लौटा है लेकर ये विमान। और बांग्लादेशी प्लेन में शेख हसीना नहीं थी। तो देखिए, जो विमान कल शेख हसीना को लेकर भारत पहुंचा था वो बांग्लादेश लौट चुका है। सेना के सात अधिकारियों को लेकर विमान बांग्लादेश लौट गया है। बांग्लादेशी प्लेन में शेख हसीना नहीं थी, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना को रखा गया है। और अभी जिस तरीके से पल पल की अपडेट मिल रही है, ताजा तस्वीरें हिंडन एयरबेस से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा में इजाफा कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना यहां पर मौजूद है, सेफ हाउस में उनको रखा गया है। और बड़ी बात यह रंजना के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में जो दो वीआईपी गाड़ियां बुलेट प्रूफ लगाई जाती हैं उनको भी हिंडन एयरबेस पे शेख हसीना के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ हसीना का विमान, ये बड़ी खबर। बांग्लादेश वायुसेना के C-130J ट्रांसपोर्ट ने आज सुबह करीब 9 बजे हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। और हालांकि एयरक्राफ्ट कहां जा रहा है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आई है कि शेख हसीना इसी विमान से सोमवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस उतरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियां विमान पर नजर रख रही। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं, जिस दोनों गाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है उससे जुड़ी ये तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए, राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी गाड़ियां यहां पर पहुंची है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो देखिए, शेख हसीना जिस विमान से सोमवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरी थी, रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियां विमान पर नजर रख रही है। तो बांग्लादेश वायुसेना के C-130J ट्रांसपोर्ट ने सुबह हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। हालांकि एयरक्राफ्ट कहां जा रहा है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है साक्षी। बिल्कुल, और इसी को लेकर पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल कई तरह के एंगल इस पूरी खबर में निकाले जा रहे हैं और कई सारी जो थ्योरीज है वो सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका का इसमें हाथ हो सकता है, CIA का हाथ हो सकता है, ISI का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है। साथ साथ में दूसरे देशों के हाथ होने की खबरें भी सामने आ रही है, खासतौर पर चीन के हाथ होने की खबरें सामने आ रही है।